श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम हस्तरेखा शास्त्र के भाग दो में जानेंगे अंगूठा के बारे में। पिछला जो हमने भाग एक का वीडियो बनाया था उसमें हमने पूरा हाथ का परिचय, हाथ की बनावट के आधार पर व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है, साथ ही उंगलियों का परिचय और किस पर्वत ग्रह से संबंधित होती उंगलियां उसके बारे में चर्चा की थी। तो आज हम अंगूठे की बनावट इत्यादि पर चर्चा करेंगे तथा अंगूठे की जो बनावट है और उसके तीनों जो पर्व होते हैं उसकी जो लंबाई है, मोटाई है इत्यादि के आधार पर किसी व्यक्ति का भाग्य, उसका व्यक्तित्व कैसे निश्चित किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो अंगूठा सब लोग, आप सभी लोगों को पता होगा, जैसा कि हमारा दाहिना हाथ है तो ये हमारा अंगूठा है और इसमें तीन पर्व हैं। ये ऊपर का हिस्सा जो है पहला पर्व माना जाता है और ये बीच का पर्व और नीचे का पर्व, यानी प्रथम पर्व, द्वितीय पर्व और तृतीय पर्व। पहला और दूसरा जो पर्व होता है, पहला पर्व ये है, दूसरा ये है, ये आप हथेली से बाहर होता है और तीसरा जो पर्व अंगूठे का है वो हथेली के अंदर ही सम्मिलित हो जाता है, जबकि उंगलियों के जो तीनों पर्व हैं एक दो तीन वो हथेली के बाहर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो तीन प्रकार के अंगूठे पाए जाते हैं मनुष्यों में मुख्यतः। तो ये अंगूठे अधिक कोण हैं, सम कोण हैं और न्यून कोण हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं अधिक कोण टाइप का अंगूठा कौन सा है, सम कोण कौन सा है, न्यून कोण कौन सा है। तो सर्वप्रथम आपका जो हाथ है आप इस तरह फैलाएंगे, देखिए। अब ये जो आपका ये हाथ है यानी कि ये उंगलियाँ हैं, इनके और ये अंगूठे के बीच में जो कोण बनता है, ये वाला कोण, ये अगर देखिए इसमें जैसे सीधा बन रहा है यानी लगभग 90 डिग्री का, तो ये सम कोण वाला अंगूठा कहा जाएगा। अगर ये अंगूठा इस तरह से पीछे चला जाता सीधा करने पर किसी का, तो उसको अधिक कोण वाला अंगूठा कहा जाता है। और किसी किसी का अंगूठा इतना ही रहता, मतलब इससे ज़्यादा ऊपर नहीं उठता है, तो न्यून कोण यानी 90 अंश से कम की जो डिग्री बनती है उसको न्यून कोण वाला अंगूठा कहा जाता है। तो इस प्रकार ये तीन प्रकार के अंगूठे हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं अधिक कोण वाला अंगूठा, यानी कि जब ये अंगूठा पीछे की तरफ जाएगा और यहाँ जो है 90 डिग्री से अधिक का जो है कोण बनता है व्यक्ति के अंगूठे में। तो अधिक कोण वाले अंगूठे का जो जातक होता है उसको सात्विक अंगूठा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति कोमल होगा, मधुर स्वभाव वाला होता है, कलाकार होता है, संगीतज्ञ होता है और समाज में रचनात्मक कार्य करने वाला होता है। यानी कि अधिक कोण अगर बन रहा है आपके हाथ में, आपने अंगूठे को फैलाया और ये अंगूठा आपके पीछे की तरफ जा रहा है इस तरह से 90 डिग्री से ज़्यादा यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो ऐसा सात्विक अंगूठा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को संगीतज्ञ और समाज में रचनात्मक कार्य करने वाला भी कह सकते हैं। कोमल और मधुर स्वभाव वाला होता है, कलाकार होता है या कुछ क्रिएटिव कार्य करने वाला होता है, यानी विशेष, थोड़ा सा अलग होता है बाकी लोगों से। ऐसे व्यक्ति का बचपन तो संघर्षशील होता है, पर वह परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना करके ऊंचा उठ जाते हैं अपनी जो क्वालिटी होती है या अपनी जो गुण होते हैं उसके सहारे। हालांकि इसमें भी एक और है कि अगर अंगूठा जो आपका अत्यधिक लंबा होकर तर्जनी के दूसरे पोरुओं के आधे भाग से भी ऊपर उठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति को मूर्ख माना जाता है या बुद्धिहीन माना जाता है। यानी कि अंगूठा अधिक कोण तो बनाए लेकिन बहुत लंबा ना हो। जैसे अंगूठे को आप उंगलियों से इस तरह ला के सटाए तो ये देखेंगे ये अंगूठा जो है इस उंगली के जो निचला वाला पर्व है उसी के थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। लेकिन किसी का अंगूठा अगर इतना लंबा हो कि तर्जनी का जो ये तर्जनी उंगली कहलाती है, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था, तर्जनी का जो दूसरा पोरुआ है यानी कि ए वाला पोरुआ जो है अगर यहाँ तक ये पहुँच जाता है, यानी अंगूठा इतना लंबा है कि यहाँ तक पहुँच जाए, तो ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है या बुद्धिहीन कहा जाता है, यानी उसकी बुद्धि कमज़ोर इत्यादि होती है। तो अंगूठा बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए लेकिन अगर उसमें अधिक कोण बन रहा है तो ये अच्छा माना जाता है। अब जो सम कोण वाला अंगूठा है, सम कोण यानी कि 90 डिग्री का कोण बने, इसके और इसके बीच में लगभग 90 डिग्री का कोण अगर बन रहा है, तो ये व्यक्ति जो है बातों की अपेक्षा कार्य एवं परिश्रम पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। यद्यपि इनमें क्रोध की मात्रा जो है विशेष होती है परंतु यह क्षणिक ही होता है। अपनी बातों पर यह अड़े रहते हैं, प्रतिशोध की भावना भी इनमें जो है अत्यधिक होती है। यानी कि अगर ये किसी के मित्र होंगे तो मित्र रहेंगे और किसी के शत्रु होंगे तो शत्रु रहते हैं, और किसी भी तरह का प्रतिशोध रहेगा तो उसको भूलते नहीं हैं जल्दी। ऐसे व्यक्ति झुकना नहीं जानते हैं तथा देशभक्त, समाज उपयोगी और दृढ़ निश्चयी होते हैं। दूसरे को अधीन जो है कार्य ना करके अपने ही द्वारा संचालित होते हैं, यानी कि इनको कोई कार्य जो है वो स्वतंत्र
रूप से करने में ज़्यादा ही रुचि होती है, किसी के अधीन एक कार्य करने में जो है उन इनको अच्छा नहीं लगता, इस तरह के व्यक्ति वालों को। अब तीसरा जो व्यक्तित्व है कि न्यून कोण अंगूठागर है, यानी कि जब हम अंगूठे को यहाँ फैला रहे हैं तो अंगूठा इतना ही बन रहा है, यानी न्यून कोण बन रहा है, 60 डिग्री, 70 डिग्री, यानी 90 डिग्री से अगर कम बन रहा है, इस तरह से झुका हुआ अंगूठा है, सीधा नहीं हो रहा पूरा। तो ऐसा व्यक्ति जो है निराशावादी भावना, आलस्य, बुरी आदतों और व्यसनों में व्यस्त होने वाला बताया जाता है, साथ ही फिजूल खर्ची और दिन में स्वप्न देखने वाला यानी कि दिवा स्वप्नी होता है। निम्न स्तरीय कार्यों में ऐसे जातक संलग्न होते हैं, भोगी होते हैं, विलासी होते हैं, और इन सब वजहों से उनको समाज में बदनामी मिलती है, यानी समाज में उनको निम्न दृष्टि से देखा जाता है। तो ये तीन प्रकार के अंगूठे होते हैं। अब अंगूठे के जो तीन भाग होते हैं जिसको पर्व या पोरुआ कहते हैं, पोरुआ मतलब ये ऊपर वाला पोरुआ, ये मध्य वाला, ये नीचे वाला, यानी इस तरह आप अंगूठे को मोड़ेंगे तो एक पार्ट ए है, दूसरा ए है, तीसरा ए है, जैसे बाकी उंगलियों में पहला पोरुआ, दूसरा पोरुआ और तीसरा पोरुआ, या इसको पर्व भी कहते हैं। तो जो प्रथम पोरुआ होता है यानी अंगूठे का ये अग्रभाग जिसको कह सकते हैं, जिससे व्यक्ति का नाखून जुड़ा होता है, तो उसको अंगूठे का शतभाग कहते हैं। यह जो है ऊर्ध्वभाग भी कहलाता है और यह विज्ञान और इच्छा शक्ति का द्योतक होता है। विज्ञान मतलब कि उसके नॉलेज के या ज्ञान के, उसके जो शास्त्र का या जो यो जो सामाजिक रूप से जो उसको ज्ञान होता है उन सब चीज़ों से संबंधित है, साथ ही उसकी इच्छा शक्ति कितनी प्रबल है इसका भी द्योतक होता है। अंगूठे का अगर पहला पोरुआ दूसरे पोरुओं से लंबा है, यानी पोरुआ इस तरह से आप नापें, एक पोरुआ ये और दूसरा ये, अगर ये पहला पोरुआ इस दूसरे पोरुए से ज़्यादा लंबा, यानी ऊपर वाला भाग ज़्यादा लंबा है और ये बीच वाला छोटा है, तो ऐसा व्यक्ति के अंदर जो है इच्छा शक्ति प्रबल होती है तथा निर्णय लेने में वह स्वतंत्र होता है। इसके अलावा धार्मिक विचारों में उसकी गहरी आस्था होती है, प्रबल एवं आकर्षक उसका व्यक्तित्व होता है और कुछ भी कार्य संपन्न करा लेने में ऐसे व्यक्ति जो है समर्थ होते हैं। अब अगर दूसरा पोरुआ जो है अगर बराबर है, मान लीजिए प्रथम और द्वितीय पोरुआ दोनों ही बराबर और लंबा मोटा होता है, अब इसकी लंबाई और मोटाई पर भी निर्भर करता है, यानी दोनों की लंबाई होनी चाहिए, मोटाई होनी चाहिए, अगर दोनों बराबर हैं लंबाई में मोटाई में दोनों तरीके से, तो ऐसा व्यक्ति जो है समाज में सम्माननीय स्थान प्राप्त करने में जो है सफल होता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति शांत व्यक्तित्व का होता है, किसी भी कार्य को बड़े गंभीरता से करता है और धैर्य के साथ करता है, और उसके अंदर क्रोध इत्यादि भी जो है वो कम होता है। अब जो दूसरा पोरुआ है यानी कि बीच वाला या मध्य भाग जिसको कह सकते हैं अंगूठे का, यह तर्क और विचार शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यदि दूसरा पोरुआ पहले से बड़ा और मजबूत हो तो ऐसा व्यक्ति तर्क शक्ति में महारत वाला होता है, यानी कि ये बीच वाला काफ़ी लंबा हो जाए सामने वाले अग्र वाले से, पहला पोरुआ ये है दूसरा ये, अगर बीच वाला ज़्यादा लंबा हो रहा है किसी का, तो इसका मतलब ये है कि उसकी तर्क शक्ति बहुत मजबूत होगी, वो उसमें महारत हासिल करने वाला होगा। हालांकि वह उचित और अनुचित दोनों तरह के तर्क को मनवाने की वजह से कभी कभी वो समाज में बकवादी या वाचाल भी कहा जाता है, और समाज में उसको अच्छी निगाह से भी नहीं कभी कभी देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अपनी अच्छी बुरी जो भी बातें हैं उसको अपने तर्क से मनवाना चाहता है। तो अब इसमें एक चीज़ और है कि यदि पहला पोरुए की अपेक्षा दूसरा पोरुआ जो है यानी बीच वाला पोरुआ, वो या तो कमज़ोर हो, पतला हो, दुर्बल हो या बहुत छोटा हो, तो ऐसे व्यक्ति दूसरों की अधीनता में ही चलना पसंद करते हैं, और ऐसे इनका जो व्यक्तित्व होता है अक्सर जो है असफल होगा, निर्बल व्यक्तित्व के होंगे, भाग्यवादी होंगे, आलसी होंगे, तो ये भी अच्छा नहीं माना जाता है। यानी कि सबसे अच्छा ये कि दोनों पोरुआ आपका बराबर हो, मोटाई की दृष्टि से, लंबाई की दृष्टि से अंगूठे का, तो ऐसा व्यक्ति जो है एक संतुलित मानसिकता का व्यक्ति कहा जाता है, सम्मानी व्यक्ति समाज में कहा जाता है, शांति व्यक्ति, धैर्यशील व्यक्ति कहा जाता है। अब जो तीसरा पोरुआ है, चूँकि तीसरा पोरुआ अंगूठे का ये अंदर की तरफ आ जाता है हथेली में, ये तीसरा पोरुआ ए आपका आ जाएगा, ये वाला एरिया पूरा, ये तीसरा भाग है नीचे का जिसको अधोभाग भी कहते हैं। यह जो है प्रेम, विराग और स्नेह का प्रतीक होता है, इसलिए क्योंकि ये शुक्र का स्थान भी कहा जाता है। ये तीसरा पोरुआ जो है, ये एरिया जो है वो शुक्र का भी स्थान इसको माना जाता है, तो यह प्रेम का, विराग का और स्नेह का भी प्रतीक होता है। अब यह भाग अगर ऊँचा उठा हुआ है, सुंदर है, किंचित आभा लिए हुए है, मांसल है, यानी कि आपका ये भाग अगर उठा हुआ है, साथ ही मांसल है, साफ है, स्पष्ट है, और इस पर बहुत ज़्यादा रेखाएं नहीं हैं, काट
कटी पिटी हुई रेखाएं नहीं है और एक तरह से मांसल एरिया है। तो ऐसा व्यक्ति जो है प्रेम से स्नेह से जो है भरपूर होता है, लेकिन ये अत्यधिक उठा भी ना रहे, यदि किसी का अत्यधिक उठा हुआ है तो वह व्यक्ति भोगी कामी और सौंदर्य के पीछे भटकने वाला हो जाता है, यानी कि भोगी विलासी हो जाता है। अब ये ज़्यादा दबा हुआ भी नहीं रहना चाहिए किसी किसी का, अगर ये एरिया बहुत ज़्यादा नीचे दबा हुआ है या बहुत ज़्यादा यहाँ रेखाओं की काट छाट है या अस्पष्ट नहीं है या कमज़ोर ये एरिया लग रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को माना जाता है कि वह निराशावादी प्रवृत्ति का होगा और वासना से भरा होगा तथा स्वार्थ युक्त होगा, यानी अपने स्वार्थ के लिए वो जाना जाता है, स्वार्थी व्यक्तित्व का होता है। तो ये अंगूठे का व्यक्तित्व है। अब हम अगली वीडियो में सभी उंगलियों के बारे में जानेंगे, इनके जो तीन तीन पर्व होते हैं, साथ ही उंगलियों की एक दूसरे से जो लंबाई होती है, कौन लंबी है छोटी है, उसके आधार पर चीज़ें समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। Oh.